हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं जीएम का सॉल्यूशन, यानी कि ज्ञानदीप एजुकेशन मिशन का जो एनजीओ अपना, उसका अपन सिलेबस कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अब तक की अपनी दो क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको उसका पूरा सिलेबस कि उसमें क्या क्या आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और जीएस का जितना भी मैटर था वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आई थिंक आपको वो बहुत ही अच्छे वैसे समझ में भी आ गया है और आपने उसको अपनी नोटबुक में लिख भी लिया है। प्लस में उसके साथ मैंने आपको एक क्लास करवाई थी रीजनिंग की, उसमें मैंने अल्फाबेट सीरीज आपको पढ़ाया था, उनके नंबर याद करने सिखाए थे आपको। आई थिंक बहुत ही अच्छे वैसे वो याद भी होंगे, ठीक है, याद भी हो गए होंगे, यानी कि आपने अगर उनको याद किया है तब भी आप आज की क्लास में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने उनको याद नहीं किया है तो पहले वो पीछे वाली क्लास देख लो, उसको अच्छे से याद कर लो, फिर जाके ये क्लास आप अटेंड करो। अब देखो, अगर आपने पूरा याद कर लिया है तो मैं अल्फाबेट के आज कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ। उन क्वेश्चंस को देखो, अल्फाबेट सीरीज है, उसमें कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहला चैप्टर है, उसको लेके आज अपन चलेंगे। उसमें जितने भी टाइपें होने वाली है उसके एक से दो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही अपन ने तुम कुछ भी एक गाइड ले लो, उसकी सहायता से उनको निकालते रहो। तो अपन ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, अपन सीधे बोर्ड पे चलते हैं। तो अल्फाबेट के अंदर आपको पहला चैप्टर में ले रहा हूँ कौन सा, कोडिंग और डिकोडिंग। क्या ले रहा हूँ? कोडिंग। और क्या होता है इसका अपोजिट? डिकोडिंग ले रहा हूँ, ठीक है, कोड और डिकोडिंग, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। अब ध्यान से सुनना, कोडिंग और डिकोडिंग, जैसे मैंने कोई भी नाम लिख दिया, पी आई एन के पिंक लिख दिया, इसको मैंने ये चेंज कर दिया। देखो, जैसे मैंने ये लिख दिया आर, ठीक है, के, पी और एन, ये लिख दिया। ये कोई क्या था? नाम था। इसको डिकोड, इसको कोड करके मैंने क्या लिखा है? ये लिखा है। और मैंने आपसे पूछ लिया कि यहां से क्या लिखूं मैं? इंक, आई एन टी पी, इसको क्या लिखेंगे? पहला और सबसे इजी पहली क्या टाइप ये बनती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पिंक को ये लिख रहे हैं तो इन, ठीक है, इन टाइप या जो भी है इसको क्या लिखेंगे। अगला ये क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है, कौन सा क्वेश्चन? कि अगर आप इंक को ये लिख रहे हो तो इसको क्या लिखोगे। पहली टाइप ये होती है। देखो, बहुत प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इनका सॉल्यूशन करने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका यही है कि आप क्या करो, इनके नंबर लिख लो कि ये कितने नंबर पे आता है, ये कितने पे आता है, ये कितने पे, ठीक है, इन सब की नंबरिंग कर लो। अगर आपके नंबर याद है तो आप उनको फास्टली वे से कर सकते हो, क्वेश्चन को फास्टली वे से कर सकते हो। देखो, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। पी आता है 19 पे, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, के आता है कितने पे? 11 पे, फिर ये 16 पे, ये 11 पे, ये 16 पे, ठीक है, फिर आगे चलो, क्या है, 11 है, तो यहाँ पे क्या आ गया? एम आ गया 13 पे। तो यहाँ पे आर ना लेके अपन क्या ले लें, यहां से यू ले लें। तो आपको कोई ना कोई सीरीज में मिलेगा, या तो बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि या तो इसमें ऐड किया हुआ मिलेगा, या इसमें माइनस किया हुआ, या मल्टीपल होगा, या फिर क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, ये तो होने वाले ही है। प्लस आपको यहाँ से क्या मिल सकता है? स्क्वायर की फॉर्म में मिल सकता है, घन की फॉर्म में मिल सकता है, जोड़ बाकी गुणा भाग पॉइंटों में कैसे भी करके वो रिजल्ट दे सकता है। तो देखो, पी 19 पे है, यू कितने पे है? 21 पे है। कितना बढ़ा दिया? तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे 2 बढ़ाया, फिर आई से के पे जाने के लिए 2 बढ़े, एन से पी पे जाने के लिए 2 बढ़े, और 11 से 13 पे जाने के लिए 2 बढ़े। इस प्रकार से आपको कौन सी सीरीज मिली? प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू की सीरीज मिली। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे प्लस टू की सीरीज मिल सकती है, माइनस टू की सीरीज मिल सकती है, बढ़ते क्रम में मिल सकता है, घटते क्रम में मिल सकता है। क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ, जैसे इसका पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये 9 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 20 पे आता है, और ये कितने पे आता है? 16 पे आता है। इन दो ऐड करो, 9 और 2 11,
14 और 2 16, 20 और 2 22, 16 और 2 18, तो के कितने पे 11 पे पी आ जाएगा, 22 पे वी आ जाएगा और 18 पे कौन आने वाला है, आर आने वाला है। इस प्रकार से अगर आपको नंबरिक याद है तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इजी होने वाला है, वरना बहुत ही हार्ड है। आप इसमें डिफाइन नहीं कर पाओगे कि इनमें कौन सी सीरीज लग रही है। इट मीन्स आपको प्लस टू का मिल सकता है, माइनस टू का मिल सकता है, यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी दे सकता है अगला। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि ये एम एन ओ के है, ठीक है, कुछ भी है, तो अगला कुछ भी कर सकता है। इन दोनों को चेंज कर दिया, इनको एच एट इज रख दिया, तो आपके दिमाग में इतनी प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। इतनी प्रोसेस होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को देखो, उसको समझो और उसका रिजल्ट एक मिनट के भीतर आप निकाल दो। तो मेरे द्वारा बताई गई ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कुछ भी मिल सकता है इसमें मिलने को, ये बात आपको याद रखनी है। तो अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के बेस पे आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं आपसे क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे, आपको उसके लिए एक या दो मिनट का टाइम मिलेगा, या फिर आप वीडियो को पॉज कर देना, क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करना, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। देखो ये अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपको मैं रीड आउट कर देता हूँ। किसी कूट भाषा में दिसंबर को, देखो डी ई सी ई एम बी ई आर को ई आर एम बी सी ई डी ई लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ई आर एम बी ई वी ई एन ओ को क्या लिखा जाएगा। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, सितंबर, अगस्त, नवंबर और क्या है, अक्टूबर। अब वीडियो को एक सेकंड के लिए क्या कर दो, रोक दो, इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, क्या सॉल्यूशन आता है वो मेरे को बताओ। अपना नंबर टिक कर लो कि मेरा ए आंसर आया है, किसी का बी आया होगा, किसी का सी और किसी का डी ऑप्शन आया होगा। तो देखो आपने क्वेश्चन को कर लिया होगा, इसका सॉल्यूशन देख लो। मैं इसका क्या करवा रहा हूँ, आंसर करवा रहा हूँ। सबसे पहले डी ई सी ई एम बी ई आर, इसको अगला क्या लिख रहा है ध्यान से सुनो, ई आर एम बी सी ई डी ई, ये लिख रहा है, ठीक है। तो देखो इसको आपको ध्यान से देखना है कि अगला पूछ क्या रहा है, क्या प्रोसेस कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि इसमें क्या है, सेम सेम है, क्या है, सेम सेम। देखो ये भी एक सा मिल रहा है, बी सी डी ई, ये भी क्या मिल रहे हैं, सेम सेम मिल रहे हैं, यानी कि इसकी वजह से ही ये बना हुआ है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा, या फिर उल्टा ले लो। देखो ई आर कॉमन है तो इसने लास्ट वाला पहले लिख दिया, समझ रहे हो इस बात को। फिर एम बी है तो इसने एम बी को एडजेक्टिव लिखा, फिर सी ई है तो इसने सी ई को एडजेक्टिव रखा, और जो डी ई है इसको इसने चेंज कर दिया। जो प्रोसेस इसने की है वही प्रोसेस अपन को करनी है। तो ध्यान से सुनो, अपने पास क्या है, ई आर एम बी वी टी एन ओ, क्या करना है, पहले वाले इनको दोनों को क्या करना है, चेंज करना है, बाकी एडजेक्टिव रखने हैं। तो ये लिख लेंगे क्या, ओ, ठीक है, एन ओ लिख लेंगे, है ना, शायद कुछ गलत कर दिया यहाँ, एन ओ है क्या, ओ एन होना चाहिए, ये आंसर आएगा इसका। तो ओ एन, ठीक है, ओ एन ई, सॉरी वी ई एम बी ई आर, ये लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्या आएगा, ओ एन आएगा, क्या आने वाला है, ओ एन, तब जाके ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ एन, ये सॉरी सही लिखा है उसने, एन ओ ही आने वाला है। तो इस प्रकार से कैसे भी करके क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, संख्या वाले भी पुटअप किए जा सकते हैं, इस प्रकार से चेंजमेंट करके भी वो पूछ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ वर्ड है, इन चार के साथ वो कुछ भी प्रोसेस कर सकता है, इन चार के साथ वो कुछ भी प्रोसेस कर सकता है और वो आपको रिजल्ट बना के दे देगा।
इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता है, इन दोनों को कर सकता है, इन दोनों को कर सकता है, वैसे करके वो कुछ भी कर सकता है। जो इसमें ऊपर वाले में अप्लाई हुआ है वो ही आपको नीचे वाले में अप्लाई करना है। वैसे भी अगर इस क्वेश्चन का अपन आंसर देखना चाहें फास्टली वे में तो देखो बहुत ईजी है। दिसंबर को उसने ये लिख रखा है, यानी कि ये इससे ही मिलके बना है। तो ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि नवंबर है, नवंबर की स्पेलिंग ऐसे होती है, तो सितंबर तो होने वाला है नहीं क्योंकि इसमें टी नहीं है। अगस्त वैसे ही नहीं होगा, अक्टूबर में दो ओ इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? नवंबर ही सही होगा। एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, इसने किसी कूट भाषा में दिसंबर को ये वर्ड लिख रखा था, तो अपन से पूछा था कि इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा, तो अपन ने देखा कि ये वर्ड लिया और इसका रिजल्ट लिया, इसने इसके साथ कुछ करके ये बना रखा है, तो अपन को भी इस वर्ड का जो इसमें प्रोसेस हुई थी वही इसी में लगानी थी और अपना रिजल्ट निकालना था। तो नवंबर होता है ये एन ओ वी ई एम बी ई आर, तो यहाँ से एन ओ आएगा, ठीक है ना, सॉरी नवंबर आएगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, शायद मैंने जब क्वेश्चन लिखा तो कुछ गलती कर दी होगी, बट जो प्रोसेस आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई अपना सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है, आपको जो प्रोसेस करनी है वो करो और अपना रिजल्ट आप फाइंड आउट करो। तो देखो आप वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को देख लो और इसको करने की कोशिश कर लो, ठीक है, और अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है, बिना नोटबुक और पेन के बिना कुछ नहीं हो सकता, अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके चलना, ठीक है। इसने लिख रखा है क्या, एन ओ डी आई ए, नोडिया, ठीक है, नोडिया को क्या लिख रखा है इसने, एस टी एन आई एफ, ये इसने कुछ लिख रखा है। अपन को किसका रिजल्ट निकालना है, मेरिट का, यानी कि एम डबल ई आर यू टी, इसका रिजल्ट अपन को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है जो उनकी सहायता से, नंबरिंग की सहायता से होगा। एन आता है 14 पे, ओ आता है 15 पे, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, ए आता है 1 पे, आपको भी वही ऐसे ही याद होना चाहिए। एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, एन आता है 14 पे, आई आता है 9 पे, एफ आता है 6 पे। अब ध्यान से सुनो, इसने इसके साथ जो प्रोसेस कर रखी है वही प्रोसेस आपको इसके साथ करनी है। तो देखो 14 में क्या जोड़े कि 19 आ जाए, तो आप बोलोगे सर प्लस 5। 15 में क्या जोड़ू कि 20 बन जाए, तो प्लस 5। 4 में क्या जोड़ू कि 14 बन जाए, तो प्लस का 10। फिर 9 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए, तो प्लस का 0। ए में क्या जोड़े कि ये क्या बन जाए, 6 बन जाए, तो ये यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्या जोड़े, 5 जोड़े। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं बन रही, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 5, ऐसा तो कुछ अच्छी वाली प्रोसेस बन नहीं रही। तो इसका और कोई रिजल्ट निकालो भाई कि और क्या रिजल्ट हो सकता है, तो कुछ इंटरचेंज करके आ रहा है क्या, वो रिजल्ट देखते हैं। तो एन 14 पे सही है, आई 9 पे सही है, एफ 6 पे सही है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन तो यही है क्या, हाँ क्वेश्चन तो यही बोल रहा है भाई। तो देखो इसमें क्या प्रोसेस लगी है वो अपन को फाइंड आउट करनी है, कुछ इंटरचेंज हो रहा है क्या, देखो 14 और 5 19, 15 और 5 20, 4 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए, तो आई इधर ले आए और 14 इधर ले जाए, इसने थोड़ी सी गलती कर रखी है क्या, आई पहले आएगा, ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पे, एन बाद में आएगा, ये मैंने लिखने में गलती कर दी। आपका जिस टाइम पे मैं क्वेश्चन बना रहा था उस टाइम पे मैंने हाथ से लिखे थे इनको, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है, खुद से ही बनाए हुए क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो देखो 14 5 19, 15 5 20, 4 5 9, 9 5 14, 1 और 1 में 5 जोड़ोगे तो 6, यानी कि 5 5 की प्रोसेस इसमें लग रही है। इसमें देखो एम कितने पे, 13 पे, ई कितने पे, 5 पे, ई 5 पे, आर 18 पे, यू 21 पे, टी 20 पे, सब में जोड़ दो भाई,
13 और 5 कितना होता है 18, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 18 और 5 23, 21 5 26, 20 और 5 25, 18 पे कौन आएगा और जे जे, 23 पे डब्ल्यू जेड और 25 में 25 पे कौन आएगा वाई। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आर जे जे डब्ल्यू वाई इज द करेक्ट आंसर। तो देखो आपको इस प्रकार से प्रोसेस करनी है, प्लस 5 5 लगेगा। देखो ऐसे भी हो सकता है कि प्लस 1 की वृद्धि, प्लस 2 की वृद्धि, प्लस 3 की वृद्धि, ऐसे भी सीरीज चल सकती है। सम में भी सीरीज चल सकती है कि प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ऐसे भी चल सकती है। विषम में भी चल सकती है कि प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, ऐसे भी चल सकती है प्लस 7। फिर भाज्य और अभाज्य में भी सीरीज चल सकती है। तो अगला ये रीजनिंग है, इसमें आपको कुछ भी प्रोवाइड कर सकता है। ये आपकी अगर आपको स्ट्रांग बनानी है इसको, तो प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, यानी कि एक बुक लेनी पड़ेगी, उसमें एक टॉपिक के कम से कम 20 से 30 या फिर 40-50 क्वेश्चन आते हैं, वो आप लगाओ और उससे फास्टली करने की कोशिश करो। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, आप पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि चेयर को आप ये लिखो, फिर आपको ऑडिट को क्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, सी एच ए आई आर इक्वल टू क्या चल रहा है ई जी सी एच टी। सबसे पहले कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर लो, कितने पे आता है 3 पे, कितने पे आता है 8 पे, कितने पे 1 पे, आई 9 पे, आर 18 पे, ये कितने पे आता है 5 पे, ये कितने पे आता है जी 7 पे, ये कितने पे 3 पे, ये कितने पे 8 पे, और ये कितने पे आता है 20 पे। देखो क्या प्रोसेस किए, यहाँ से आने के लिए मुझे प्लस 2 करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे माइनस 1 करना पड़ेगा, फिर 1 से मुझे 3 पे जाने के लिए प्लस 2, फिर मुझे 9 से 8 पे आने के लिए माइनस 1, 18 से मुझे 20 पे जाने के लिए प्लस 2। यानी कि कौन सी प्रोसेस चल रही है, प्लस 2 माइनस 1, प्लस 2 माइनस 1, प्लस 2, ये प्रोसेस चल रही है। तो ये भी अपन को इसी के साथ लगानी है, क्या है ऑडिट, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझ गए कि क्या प्रोसेस लगी है, ए यू डी आई टी। तो देखो ये कितने पे 1 पे, यू कितने पे 21 पे, ये कितने पे 4 पे, ये कितने पे 9 पे, ये 20 पे, इसमें भी ये प्रोसेस लगाएंगे। प्लस 2, 1 में 2 जोड़ो 3, 21 में से 1 हटाओ 20, 4 में 2 जोड़ो 6, 9 में से 1 हटाओ 8, 20 में 2 जोड़ो 22, 3 पे कौन आएगा सी टी एफ फिर एच और फिर वी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे द्वारा बताए गए ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ओनली फॉर आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसकी नंबरिंग करो, उसके अकॉर्डिंग आप उसका रिजल्ट निकालो। जो प्रोसेस उसने ऊपर वाले में कर रखी है वही प्रोसेस आपको नीचे वाले में करनी है, ठीक है। बिना प्रोसेस के क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको क्या करना है एकदम से सीधा सा लिखना है, उनकी नंबरिंग करनी है और उसमें क्या प्रोसेस दे रखी है उसको पकड़ना है और रिजल्ट निकालना है। तो अब तक के अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको बहुत ही अच्छे वैसे समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। अब देखो एग्जामिनर टाइम बचाने के लिए आजकल मैथमेटिक्स का यूज करने लग गया, क्या ये कुछ दे दिया, अनुपात लगा दिया, फिर इसका रिजल्ट ये दे दिया, फिर समानुपात दे दिया और इसका रिजल्ट क्या होगा वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। तो देखो इसको ध्यान से सुनना, इसमें क्या प्रोसेस लगाओगे, इन दो पहलों में जो प्रोसेस लगी है वो ही प्रोसेस आपको एंड वालों में लगानी है। क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करो, उसी वे से क्वेश्चन फाइंड आउट किया जाएगा। तो ये करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको लिख लो, देखो इसमें ही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से के कितने पे आता है 11 पे, एन कितने पे 14 पे, आई कितने पे 9 पे, एफ कितने पे 6 पे, ई कितने पे 5 पे, एम कितने पे 13 पे, पी कितने पे 16 पे, के कितने पे 11 पे, एच कितने पे 8 पे, जी कितने पे 7 पे,
तो मुझे 11 से कहाँ जाना है, 13 पे कितना ऐड किया प्लस 2, 14 से कहाँ जाना है, 16 पे कितना ऐड किया प्लस 2, 9 से कहाँ जाना है, 11 पे कितना ऐड किया प्लस 2, 6 से कहाँ जाना है, 8 पे कितना ऐड किया प्लस 2, 5 से कहाँ जाना है, 7 पे कितना ऐड किया प्लस का 2। ये प्रोसेस ही आपको इसमें यूज करनी है। तो ये आपको क्या दे रखा है, डी टी जी सी एफ, ठीक है। ये कितने पे आता है, 4 पे, 20 पे, जी 7, सी ए क्या, सी 3 पे, एफ कितने पे आते हैं, 6 पे। चेंज कर लो भाई, दो दो बढ़ा के लिख लो, 4 और 2 6, 20 और 2 22, 7 और 2 9, 3 और 2 5, 6 और 2 8। देखो भाई कैलकुलेट करो, एफ आ जाएगा, वी आ जाएगा, आई आ जाएगा, ई आ जाएगा और एच आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा, जिसमें अपन को क्या मिलने वाला है, गुड रिजल्ट मिलने वाला है। देखो आजकल एग्जामिनर इतना चेंजमेंट नहीं कर रहा है, बस अल्फाबेट सीरीज के जो क्रमांक हैं उनसे तो बाहर वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, ओनली फॉर इनके अंदर से क्वेश्चन आपसे फाइंड आउट करने के लिए वो बोलेगा। तो ये प्रोसेस आप लगाओ, बहुत ही फास्टली और बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाले हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर आपने अल्फाबेट को याद किया है तो बहुत ही इजी होने वाला है। इसको आप वीडियो को पॉज कर दो और इसको कोशिश करो आप निकालने की कि आपका क्या रिजल्ट आ सकता है। थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आपको सुनाई दे सकता है, उसको आप इग्नोर करो, ओनली फॉर अपने स्टडी पे फोकस करो। तो देखो ये जो मैंने पहली क्लास में आपको रीजनिंग में दो बातें बताई थी, ये उन्हीं पे डिपेंड है, पहली बात पे डिपेंड है या दूसरी पे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आपने निकाल लिया होगा, अगर नहीं निकाला है तो मैं बता देता हूँ। ए का उल्टा जेड, ए टू जेड, दूध वाला हनी सिंह, मैन से क्या बन गया था एम, उसी प्रकार से सी से अक्स, एफ से फादर से अंकल, जैसे जयपुर की क्वीन आया था, और से क्या आया था एल आया था, लव वाला एल आया था। कैसे सर, ये एक पे आता है और जेड 26 पे, टोटल रिजल्ट 27 बनता है। तो इस पे बेस्ट भी आप मैंने आपसे एक क्वेश्चन करवा दिया है, याद रखना भाई रीजनिंग है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रैक्टिस से होने वाला सब्जेक्ट है। अगला कैसे भी करके अपना माइंड इसमें यूज कर सकता है। तो पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और बेहतरीन सा। देखो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, इसमें पूछा गया आपसे कि बिन को छांटिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी पुटअप करने लग गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसका रिजल्ट आपसे फाइंड आउट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और आप मुझे उम्मीद है इसको बहुत ही अच्छे वैसे फाइंड आउट कर दोगे। देखो सबसे पहले आपने कर लिया होगा आंसर लगा लेना, सबसे पहले कुछ नहीं करना, कैसे भी ये भिन्न हो सकता है। जे कितने पे आता है 10 पे, एन कितने पे आता है 13 पे, एन कितने पे आता है 14 पे, और ये 16 पे, ये 18 पे, और ये 19 पे, ये 7 पे, और ये कितने पे आता है 19 पे। तो देखो कुछ हो रहा है क्या, कुछ चेंजमेंट आ रहा है क्या, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें आपसे मैं आपसे विषम पूछूं तो विषम क्या होने वाला है, एन पी होने वाला है। कैसे सर, इसमें देखो 10 13 है, विषम संख्या है, इसमें क्या है विषम संख्या है, ठीक है, और इसमें क्या है विषम संख्या है, इसमें क्या है सम संख्या है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि ये रिजल्ट हो सकता है, रिजल्ट अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको अलग करके बताए। वो अलग ऐसे भी कर सकता है, कैसे, जैसे इसमें पहला क्या है 10 14 18, इन सब में तीनों में क्या है पहला सम है और इसमें विषम है, तो वो कैसे भी करके इसको अलग कर सकता है। नेक्स्ट ये पढ़े, ये 3 5 7, फिर ये 19 19 में 21 और कितना आ गया 23, आर 18 पे, टी 20 पे, और वी 22 पे, पी 16 पे, ये 19 पे, और ये कितने पे 21 पे। तो इनमें डिफरेंस देखो, दो दो का डिफरेंस चल रहा है, 3 2 5, 5 2 7, 19 2 21, 21 और 2 23, 18 2 20, 20 और 2 22,
16 प्लस 3 19, 19 2 21, तो भिन्न कौन सा हो गया? डी ऑप्शन क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो आज की क्लास में मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए हैं, आई थिंक वो आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में अपन ने 5 से 7 क्वेश्चन पुटअप किए हैं, कम से कम 3 टाइप के मैंने आपको बता दिए, 3 टाइप के 2-2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। बाकी आप अपनी नोटबुक से करना, इनको अपनी नोटबुक में छाप लेना, ठीक है, एग्जाम टाइम आपको इनसे हेल्प मिलेगी, ठीक है। रीजनिंग कैसी लग रही है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वो कमेंट बॉक्स में बता देना। और एक बात और आपके लिए, वीडियो को पूरा देखा करो, और लास्ट में मैं आपको बोल दूं कि मैंने वीडियो में कहा था कि जिस दिन आपको क्लास ना मिले तो पुरानी वाली क्लासें आप देख लिया करो, ठीक है, जो मदर टेरेसा वाली क्लासें हैं वो देख लिया करो, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सिलेबस है, वही सारा का सारा सिस्टम है, ठीक है। पीछे भी बच्चों ने उनको पढ़ के पास किया है, तो आप भी उनको पढ़ लिया करो खाली टाइम में, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे पास आप टाइम है मैं पढ़ सकता हूँ, उस टाइम पे आप पढ़ लिया करो। दूसरी बात, देखो 2-3 दिन से क्लासें नहीं मिल रही थी, आज मैंने क्लास आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, तो ये कोई इश्यू होता है उसकी वजह से। और आपको बाहर से साउंड आ रहा होगा वो भी सुनाई दे रहा होगा, ईयरफोन का यूज करें, अच्छे वैसे अपनी स्टडी करें, ठीक है, जो डीनोइस है उसको इग्नोर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में इसी टॉपिक के साथ, कोडिंग और डी कोडिंग के साथ। आप अच्छा एफर्ट लगाइए अपना, अच्छे वैसे पढ़िए, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।